morning, friends. Good morning. Good morning. मेरा नाम शीला कंसे, मैं एरोनी से बिलोंग करती हूँ. सबसे पहले तो थैंक्स मैं मेरे ग्रेट अपलाइन मोसले सर एंड सीता मैडम को कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. क्योंकि आज अगर लोग मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती. और सेकंड थिंग है मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर प्रमोद सर, पड़वर सर और रतिका मैडम. जैसे दोस्तों लाइफ में चेंजेस या मतलब चैलेंजेस बहुत आए और हर टाइम ये रतिका मैडम जैसे लेडी अगर साथ में है तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है. इमोशनली मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंस के प्रॉब्लम थे घर में, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के प्रॉब्लम थे, लेकिन मैडम ने हमेशा मुझे साथ दिया है कि नहीं मैडम आप कर सकते हो, करना है. तो मैं स्पेशली मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि रतिका मैडम. एक्चुअली ये बिजनेस का ऐसा बिजनेस है सर कि यहाँ पे हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं. मेरे पास तो बहुत सारे रीजंस थे कि मतलब एक्चुअली मैं न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से थी. मैंने अपना फर्स्ट सर्विस टैक्स का जॉब छोड़ के मैं न्यूट्रिशन के बिजनेस में आई थी क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को देख के, एरोनिम में रह के ही मेरे बच्चों को देख के मुझे बिजनेस करना था कुछ. लेकिन उस जो मैंने एक पुरानी कंपनी से जो बिजनेस कर रही थी उसमें मेरे नीड कंप्लीट हो रहे थे लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते थे. तो मैं ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी देख रही थी कि जहाँ पे मुझे मेरे सपने जो है वो पूरे कर दे. उसके लिए मुझे सर ने जब ये प्लान दिखाया, सर परिवार सर खुद आए थे. एक्चुअली न्यूट्रिशन के बैकग्राउंड से थी तो सर को मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे हेल्थ के बारे में कुछ बताना नहीं सर, मैं जो भी काम है वो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ कर लूँगी. लेकिन 6 महीने के बाद ऐसे महसूस हुआ जब मैंने अनूप सर का मतलब वो जो पहला हेल्थ सेशन अटेंड किया था तो उन्होंने जब हेल्थ के बारे में जो बताया था वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि ये विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट बेच के मैं पैसे कभी नहीं कमा सकती. तो मैं ये हेल्थ सप्लीमेंट अपने जो वेस्टिज कंपनी के वो देख के मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ, लोगों के घर में पैसे आ सकते. तो इसलिए मैंने उस दिन से ये काम पूरा मतलब वेस्टिज के प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरे टीम में मैंने लोगों को ये प्रमोट करना स्टार्ट किया. फिर बीच में अभी एक्चुअली आज का जो मेरा सक्सेस है उसके लिए प्रमोद सर का एक छोटा सा मैसेज मुझे काम कर गया था. क्योंकि सर ने अपना जो वर्कशॉप स्टार्ट किया था, अपना 4 दिन का जो वर्कशॉप होता है, एक्चुअली वर्कशॉप बहुत औसम है. लेकिन उससे पहले एक दिन सर ने गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव का मीटिंग थाना कलवा में रखा था. एक्चुअली उस दिन मुझे बहुत बैड फील हो रहा था कि आज मैं गोल्ड डायरेक्टर नहीं हूँ करके सिर्फ उसी वजह से मुझे सर ने इन्वाइट नहीं किया कि हम लोग नहीं जा सकते. और ये जो मेरा ये था ना, एक्चुअली उस दिन मैं रोई थी ऑफिस में बैठ के कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं 6 बजे उठ के जा सकती हूँ, सर ने मुझे क्यों नहीं बुलाया. तो उस दिन मन में ठान लिया था मैंने कि नहीं मुझे ये महीने में कुछ भी करके गोल तो कम से कम पार करना ही है. और जैसे पिंपरे सर ने बताया कि उन्हें भी सेलिब्रेशन का 2 महीने में कुछ मौका नहीं मिला, तो मैंने भी जब ये स्टार लेवल अचीव किया लास्ट दिन में किया था, मैं सुबह सिल्वर बन गई, दोपहर को मैंने डायरेक्टर कंप्लीट कर लिया और शाम को मैंने स्टार कंप्लीट कर लिया. और सर मैं इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो अपना वर्कशॉप होने जा रहा है वो वर्कशॉप इतना अच्छा है कि हम लोग, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें कुछ जरूरत नहीं है, बट उस वर्कशॉप की वजह से हम लोग मतलब हमें बात मार्केट में बिजनेस में क्या हम लोग की कमी है, अपने अंदर कुछ कमी है, वो सब मालूम होती है. तो मैं चाहती हूँ कि अपने टीम के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे वो बहुत अच्छा है. आने वाले हल्ला बोल के ये जो फंक्शन था ना, एक्चुअली हम लोग 3 दिन फैमिली रियूनियन जिनको ये पॉसिबल नहीं होता उनके लिए हल्ला बोल एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है. पूरा दिन का सेशन है, हम लोग ने बहुत सारे कंपनी के सेशंस अटेंड किए थे लेकिन ऐसा फंक्शन कहीं नहीं अटेंड करने के लिए मेरा. मैंने लास्ट टाइम भी अटेंड किया था और इस टाइम मेरे टीम से कम 24% आ रहे हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा जाधव है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ संजय के साथ मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ. वेस्टिज में मैं प्रोडक्ट के लिए आई थी लेकिन अब सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग. मेरा एक हर किसी का एक ड्रीम होता है कि हम कुछ ना कुछ करें, कि मेरा एक ड्रीम है कि एरोली में मेरे नाम का एक घर हो.
कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वर्कशॉप में प्रमोद सर ने एक डायलॉग मारा था, सब हम सबको पता है सबको, मैं बता दी हूँ। अगर सोचना है तो ऐसे सोचो, सोचना है तो ऐसे सोचो कि सोच के सोच की सोच भी बदल जाए। थोड़ा सा डायलॉग एक बार सुनना चाहिए, बहुत मेहनत किया उसके लिए। सोचना है तो ऐसे सोचो, सोचना है तो ऐसे सोचो कि सोच के सोच की भी फट जाए। ये बात है। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी है कि हाउसवाइफ, हम लोग देखते हैं हाउसवाइफ बहुत मुश्किल से, मतलब वो बोलते हैं ना आपस में बात करना बहुत इजीली पॉसिबल है, लेकिन एक चार लोगों के सामने स्टेज पे खड़े रह के बात करना इम्पॉसिबल है। हम लोग 3-3.5 साल से पहले से एक बिजनेस कर रहे थे और इस बिजनेस में लगभग हम लोग 14-15 महीने हो गए। हमारे एक ही आर्ग्यूमेंट है, तुम स्टेज पे आती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया, इसके लिए बहुत जोरदार ताली हो। इस चीज पे हमने झगड़े भी किए क्यों नहीं आती है, लेकिन आज सचमुच सपना पूरा हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मेरा सपना है कि हर पति के आंखों से आंसू निकले और ऐसी सेलिब्रेशन उसके घर में हो। हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा चीज, इसे बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सो मच। इस बिजनेस को 90% इसी ने किया हुआ है, मैं तो 10% सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मैं होटल लाइन से बिलीव करता हूँ, मेरा नाम संजय यादव है, होटल लाइन से बिलीव करता हूँ, फूडिंग केटरिंग सर्विसेज। हम लोग देश विदेश में काम करते हैं, तो घूमना बात करना ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये कंटिन्यूसली मैं करते रहता हूँ। आज मुझे लगा था कि बात कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा मुझसे। स्टार लेवल अचीव किया हमने लगभग 13-14 महीनों में, अभी कार फंड भी शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, चौथा, आखिरी जो भी दिन है अपना, हमारा वेस्टेज काम करने का, इसको ऐसे लगन से, ऐसे शिद्दत से करो कि आज का पहला दिन है, और इतने जोर से करो। एसपी भारी का एक बहुत अच्छा कहावत मुझे आता है कि वो उन्होंने बोला कि जो कछुआ क्या बोलते हैं खरगोश और कछुए की जो स्टोरी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने उन्होंने अभी हमको क्या सिखाया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम है वेस्टइंडीज के विनिंग टीम के एसपी भारी के खरगोश, हम स्लो नहीं भागते, हम फास्ट भागते हैं। तो इसके लिए हम आज से कहेंगे फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। कितने लोग कह रहे फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, फास्ट। तो इसके लिए यस बोलने के लिए मुझे ऐसे एक हाथ सबका ऊपर चाहिए, सबका हाथ ऊपर चाहिए, और जब तक मैं आवाज करूंगा सबका हाथ घूमता रहेगा। ये दैट्स इट, ये जुनून होना चाहिए काम करने के लिए। सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, प्रमोद सर से लेके एसपी बारेन सर से, सागर सर से, हमारी तमाम अपलाइन, किरण सर हमारे क्रॉस लाइन, सत्यवती मैडम, जितने भी क्रॉस लाइन है, अपलाइंस है, जितने भी लोग हैं, प्रशांत सोनारे सर है हमारे डायरेक्ट जिन्होंने हमको बिजनेस में लाया, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी में हमको लाया। और मुझे, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको जिसने भी यहाँ पे लाया है उसको एक थैंक यू जरूर बोलना बनता है। थैंक यू सो मच।